कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौसा जिले में प्रस्तावित रूट और व्यवस्थाओं के अवलोकन के लिए रविवार को राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दौसा पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रा के भाग्य का और ठहराव की जगह का निरीक्षण किया। इस दौरान डोटासरा के साथ प्रदेश के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव, मंत्री रामलाल जाट, मंत्री मुरारी लाल मीणा, संदीप चौधरी सहित कई कांग्रेसी नेता दौसा पहुंचे। डोटासरा ने यात्रा को लेकर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत में दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को कांग्रेस और अन्य लोगों ने अपने त्याग, तपस्या और बलिदान से मजबूत बनाया है और केंद्र में बैठी ताकतों को संदेश देने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे। डोटासरा ने कहा, इस मिशन से कांग्रेस के ही नहीं अन्य विचारधाराओं के लोग भी जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से हम अपनी बात रखेंगे। तो जो अपनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक दूसरे नेता एक दूसरे की दुर्गति कर रहे हैं और जो केंद्र में मोदी जी जो बैठे हैं वो तानाशाही कर रहे हैं, अमित शाह जी जो तानाशाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनको अपनी पार्टी को जोड़ने का काम करना चाहिए। जन आक्रोश रैली तो प्यार और मोहब्बत बांटने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग निकाल रहे हैं। काहे के जन आक्रोश नहीं निकाल रहे हैं? कौन सी जनता में आक्रोश है आप बताइए? किसान का कर्जा हमने तो माफ किया और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार ने कहा ये रेवड़ियां बांटने वाला काम है, रेवड़ियां नहीं बांट सकते हम। तो जन आक्रोश तो हमारे देश के सैनिकों में है कि चाइना की का फौज का कब्जा करा दिया। जन आक्रोश तो हमारे किसानों में था जो 15 महीने तक खून के आंसू रो रहे थे। आप बताइए किस बात का है? ये तो नौटंकी कर रहे हैं, ये अपनी छेप मिटा रहे हैं कि हमने 4 साल कुछ नहीं किया। और आज मैं कहना चाहता हूं कि 2023 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, 2024 में मोदी जी का सूखा साफ होगा, ये लिख के ले रहे। किसने? कोविड में। अरे भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कह रहे हैं लेकिन वो नाम नहीं ले सकते क्योंकि उनकी नौकरी उन्हीं की दीवी अमित शाह जी की, वो नाम नहीं ले सकते। कोविड में युवाओं की जब बात आई तो 3,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने देख करके ये कहा था कि हम युवाओं को वैक्सीन लगाएंगे, तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ दे। और अगर इतना ही शानदार वो काम कर रहे थे तो आप बताइए मेरे को 14-14 मंत्रियों को एक साथ क्यों हटाना पड़ा था उनको? आप बताइए, हम 3 मंत्री यहाँ से हटे तो 3 ने तो इस्तीफा दे करके संगठन में आने की हमारी इच्छा थी और संगठन में काम करने के लिए आए हैं, उनमें से 14 केंद्र से कैसे हटे? पूरी की पूरी गुजरात की सरकार कैसे पलट गई उनकी? एंटी कमेंसी थी तभी तो पलट गई, वरना कोई लड्डू मिल रहे थे क्या जो दूसरों को दे रहे हैं इनको नहीं दे रहे हैं?